माई चैनल। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10th की साइंस में रिफ्लेक्शन आप लाइट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो अवतल दर्पण में द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां होती हैं, यानी कि प्रतिबिंब वस्तुओं को 6 अलग अलग जगह पर रख कर हम उसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैं इसमें पहला पॉइंट लिखूं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ पर? अनंत पर रखी हो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है दूसरा नंबर पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी हो, ठीक। तीसरा पॉइंट है मेरा ये, वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट है मेरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक है ना। मेरा 4 पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, आप देखिए इसमें। पांचवा पॉइंट जो है मेरा इसमें, जब वस्तु ध्रुव पर रखी हो, ठीक है ना। छठा पॉइंट है मेरा इसमें, जब ध्रुव तथा फोकस, ठीक है ना। ध्रुव यहाँ पे, ध्रुव की जगह पे होगा क्या मेरा, फोकस, ठीक है ना। यहाँ पे ध्रुव की जगह पे क्या होगा, फोकस। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी हो, ठीक है ना। तो अब जैसा कि मैं 6 स्थितियों के बारे में बात करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ अपना, एक अवतल दर्पण बनाऊँगा। अवतल दर्पण मैंने आपको बताया था, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो। इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ध्रुव, और ये हमारा क्या हुआ, फोकस। मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है। तो अब ये क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत पर, यानी अनंत का मतलब है कि ये यहाँ पे क्या रखी है, मेरी वस्तु रखी है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही में देखना है इसमें। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रखी है। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे वक्रता केंद्र है, और ये चौथी कंडीशन ये बोल रहा है कि इनके बीच में होना चाहिए। पांचवा कंडीशन में बात कर रहा है केवल फोकस पर, यानी इसी में रखना चाहिए, ये वाला है। और छठे कंडीशन में बात कर रहा है जब इसके बीच में हम रख दें, यानी ये फोकस है और ये ध्रुव है। इन्हीं 6 कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा अपने पहले कंडीशन के बारे में, जो 6 स्थितियों में पहला लिखा है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, यहाँ पे एक अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम आपको इसको बताएं, ये किसका पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण का। तो हमें इसीलिए अवतल दर्पण के चित्र बनाएंगे।
और ये हमारा क्या हुआ, ध्रुव हो गया, ठीक है ना, ये हमारा ध्रुव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ दूरी पर ये हमारी क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है, ठीक है ना, क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। अब ये वस्तु जो है मेरी वो क्या है, ए, और ये बी है पॉइंट, और ये वाला क्या है, ए है, ठीक है ना। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से निकल जाएंगी ऐसे, ठीक है ना, ये कहाँ से निकल जाएंगी, मुख्य फोकस से। और ये वाली जो किरणें होंगी ये भी आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी परावर्तन के पश्चात, ये कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से हो के जाएंगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब होगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर एक दूसरे को मिलती हैं, अतः यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनता है। जो क्या होगा, अब ये बता दूं, सामने अगर प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, मान लीजिए अवतल दर्पण में ही कंडीशन होती है, तो कोई भी होगा जिस तरफ वस्तु रखी होगी अगर उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये कंफर्म समझ लो कि वो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वास्तविक। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वास्तविक होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जिस तरफ वस्तु है, मान लीजिए ये एक्स वाई वन वाई डैश वाई है, वाई डैश है, यक्स है, यक्स डैश है, तो ये जिस तरफ वस्तु रखी है, यानी कि हम कहें तो उसी तरफ अगर होगा, तो ये इधर सीधी वस्तु रखी है, ये प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो ये कैसा होगा उल्टा होगा, ठीक है ना। तथा बिंदु के आकार का होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे आपको हमारा वीडियो पहले मिल जाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स माय स्टूडेंट्स।